यार आपका बजट कम है लेकिन आप तब भी चाहते हो जो आजकल विंटेज वाला ट्रेंड चल रहा है वो आप एंजॉय करो, और आप फेक वाले कपड़े नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो ब्रांडेड वाले ही लेना लेकिन आप चीप में लेना चाहते हो, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन एंड सबसे ज्यादा सस्टेनेबल सोल्यूशन, मतलब की एनवायरमेंट को बचाने वाला सोल्यूशन है थ्रिफ्ट स्टोर्स। लेकिन थ्रिफ्ट स्टोर्स होते क्या हैं और इनसे शॉपिंग सबसे ज्यादा स्मार्टली कैसे कर सकते हो, सबसे ज्यादा पैसे बचा के और सही चीज खरीद के, और सही वाला साइज कैसे मिलेगा, रिटर्न्स कैसे होते हैं वगैरह वगैरह सब बताऊंगा। What's up bro? Welcome back to Be Your Best. I am Sam Kalra and today's video is all about thrift store shopping. और सही प्रोडक्ट सही प्राइस में लेने के लिए प्लीज सारे रूल्स बहुत ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी वीक एंड हां नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। यार जिसको नहीं पता थ्रिफ्ट स्टोर्स का मतलब है जो सेकंड हैंड आइटम्स बेचते हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी यूज्ड क्लोथ्स हैं उनको धो वो के अच्छे से फिर आपको बेचते हैं वो। और ये कॉन्सेप्ट बाहर के कंट्रीज में बहुत पहले से चलता आ रहा है, इंडिया में भी पिछले 4-5 साल से है, बट वो बिल्कुल घटिया रद्दी कपड़ों का कॉन्सेप्ट था। अभी रिसेंटली वो लास्ट ईयर से पॉपुलर हो गया जब से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स आ चुके हैं, और पहले इंडिया में इसलिए भी पॉपुलर नहीं था क्योंकि कपड़े इतने घटिया मिलते थे थ्रिफ्ट स्टोर्स वगैरह पे। लेकिन अभी का ये सीन है कि बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स ना बाहर से कपड़े, मतलब यूएस यूके वगैरह से जो उनके वेस्ट कपड़े होते हैं जो वहां पे किलो के भाव बिक जाते हैं, वो कपड़े इंडिया में आप लोगों को बेचते हैं। थ्रिफ्ट स्टोर से शॉप करने के बेनिफिट्स, सबसे पहला अच्छी क्वालिटी के चीजों पे पैसे बचेंगे क्योंकि सेकंड हैंड है तो पैसे तो कम लगेंगे ही लगेंगे, साथ में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी क्योंकि है तो वो अच्छे ब्रांड का ना। दूसरा बेनिफिट, थ्रिफ्ट स्टोर पे किसी एक आइटम के मल्टीपल साइजेस नहीं होते और ज्यादा पीसेस भी नहीं होते, तो अगर आपने कोई आइटम लिया है तो वो यूनिक है, वो सिर्फ आपके पास है। एंड अगर आप वो वाले आइटम्स ले रहे हो जो बाहर जैसे यूएस यूके वगैरह से आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा यूनिक भी होगा स्टाइल, एक तो वो बाहर का ही स्टाइल है पुराने जमाने का, तो वो इंडिया में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ज़ारा H&M वगैरह पे नहीं मिलेंगे। एक और बेनिफिट ये है कि यार आप एनवायरमेंट को भी बचा रहे होगे क्योंकि ये नए कपड़े नहीं है जो बन रहे हैं, ये आपको सेकंड हैंड मिल रहा है, क्योंकि अगर नए कपड़े बन रहे होते तो उसकी जगह पेड़ कट रहे होते। कुछ नुकसान भी है थ्रिफ्ट स्टोर से शॉपिंग करने के, आपकी पसंद का आइटम मिलना मुश्किल है, आपकी पसंद के आइटम में सही साइज मिलना मुश्किल है, रिटर्न जनरली पॉसिबल नहीं होते, और ऊपर से अपनी मम्मी पापा को एक्सप्लेन करना कि आप सेकंड हैंड कपड़े पहन रहे हो वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि आपके मम्मी पापा ही वो लोग हैं जो आपके बड़े भाई या बहन के कपड़े आपको पहनाते हैं। एनीवे अब आ जाते हैं थ्रिफ्ट शॉपिंग करते कैसे हैं, क्या टिप्स हैं। सबसे पहली टिप तो ये कि कोई भी थ्रिफ्ट शॉपिंग करने से पहले अपने मम्मी पापा के कमरे में जाओ, उनकी अलमारी खोलो और देखो कि आपको क्या चीज पसंद आ रही है, वो भी तो एक तरीके से थ्रिफ्टिंग ही है, वो भी तो एक तरीके से सेकंड हैंड क्लोथ ही है। अब आजकल विंटेज का ट्रेंड चल रहा है तो आपको आपके पापा की 90s की शर्ट्स बहुत बढ़िया फ्लैनल की तरह फिट आएंगी, या फिर उनकी कोई पुरानी टाइट वाली टी-शर्ट्स आप अपनी विंटर में इनर टी शर्ट्स की तरह भी पहन सकते हो। ऐसी काफी सारी टिप्स मैंने आपको अपने हाउ टू लुक गुड इन 0 rupees वाले वीडियो में भी बताई थी, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। अब आ जाते हैं थ्रिफ्ट स्टोर से कैसे शॉपिंग करनी है जो कि जनरली इंस्टाग्राम पे ही है। सबसे पहले आपको ढूंढने हैं कि आपके टेस्ट के हिसाब से आपकी पसंद के हिसाब से कौन से थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं, क्योंकि देखो थ्रिफ्ट स्टोर्स को चलाने वाले तो इंसान ही है और कोई एक इंसान की एक सर्टेन स्टाइल की तरफ इंक्लिनेशन होगी और वो उसी टाइप के कपड़े अपने थ्रिफ्ट स्टोर पे डालता होगा। मेरे कुछ पसंद के थ्रिफ्ट स्टोर्स अगर आपको देखने हैं तो मैंने एक रील बनाई जिसमें मैंने वो थ्रिफ्ट स्टोर डाले थे कैप्शन में, उस रील का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से ना यार बेस्ट थ्रिफ्ट स्टोर्स वो होते हैं जिनके 6,000-7,000 से लेके 15,000 तक के फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उनको कुछ टाइम हो गया थ्रिफ्ट करते हुए तो उनको थोड़ी सी नॉलेज है कि सही टाइप के आइटम्स कैसे देते हैं। और दिक्कत यह है कि 15,000 से ऊपर फॉलोअर्स वाले ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे उनका कुछ ड्रॉप होता है सब लगे हुए होते हैं और आपको कुछ मिलना उसका सक्सेस बहुत कम होता है। अब इनसे शॉपिंग कैसे करनी है, उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि थ्रिफ्ट स्टोर्स काम कैसे करते हैं। बेसिकली ये किसी एक जगह से पुराने कपड़े किलो के भाव में लेते हैं, फिर अपने इंस्टाग्राम पेज पे ये लोग ना एक टीजर टाइप का डालते हैं, एक पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर सारे कपड़े ऐसे हल्के से दिखा देते हैं और बोलते हैं कि ये सारे कपड़े हम लोग ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करेंगे मतलब रिलीज करेंगे किसी एक डेट को किसी एक टाइम पे, और जब वो टाइम आता है तब ये सारे पेजेस हर कपड़े का इंडिविजुअल फोटो लेके पोस्ट कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, और उसके कैप्शन में ये डिटेल्स डाल देते हैं कि ये कौन से ब्रांड का हुआ करता था, क्या साइज है, इसकी चेस्ट का साइज कितना है, इसकी शोल्डर वोल्डर सारे साइज कितने हैं, और साथ में वहां लिख देते हैं कि इसका प्राइस क्या है और खरीदना कैसे है। तो वो लिख देते हैं कि या तो हमें डीएम करो या फिर नीचे कमेंट करो। अगर उन्होंने लिखा है कि नीचे कमेंट करो खरीदने के लिए, तो आपको फटाफट सबसे पहला होना पड़ेगा वहां पे कमेंट करने के लिए बुक, मतलब कि आपने उस कपड़े को बुक कर लिया अपने लिए। तो अगर आप पहले हो बुक करने वाले तो फिर वो आपको डीएम कर देंगे, मैसेज कर देंगे कि भाई आपने बुक बोला था अब ऐसे ऐसे खरीदें। अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि डीएम करो तो उस क्लोथिंग आइटम की स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसी को पोस्ट को शेयर करके उनको डीएम में भेज दो और बोल दो कि मुझे खरीदना। अब यार एक बात याद रखना कि इतने भावुक इतने इमोशनल मत हो जाना कि जैसी कुछ आया और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा आपने उसी टाइम खरीद लिया। अपने दिमाग में पहले से बना के रखना कि आप क्या खरीदना चाहते हो,
जैसे अगर मेरे को वार्सिटी जैकेट लेनी थी तो मैंने ये वाली थ्रिफ्ट स्टोर से ही ली थी, लेकिन ये खरीदने से पहले मुझे पता था कि मैं एक मेरून या फिर एक ग्रीन कलर की ही लेने वाला हूं, और मैंने ऐसे ही देखा कि कोई लैवेंडर या पर्पल भी आ रही थी, मुझे अच्छी भी लग रही थी, मैंने वो तब भी नहीं ली, ये सोच के कि यार मेरे को पैसे वेस्ट नहीं करने, मुझे वही चाहिए जो मेरे मन में है ऑलरेडी। एनीवे जब आप इनको डीएम पे बता चुके हो कि मैं ये खरीदना चाहता हूं या खरीदना चाहती हूं, मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं नहीं वैसे शायद, बट जब आप उनको बता चुके हो कि ये खरीदना है आपको, उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि ठीक है हमने आपके लिए रोक लिया इस प्रोडक्ट को, अब आप हमें इतने पैसे ट्रांसफर करो इस गूगल पे नंबर पे, या फिर जो भी उनका तरीका है पेमेंट का। थ्रिफ्ट स्टोर्स पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, मतलब मैंने जितने देखे उनमें तो नहीं है, विच इज ओके। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप कौन से थ्रिफ्ट स्टोर्स को ट्रस्ट कर सकते हो। एनीवे आप उनको पेमेंट करोगे कैश ऑन डिलीवरी वाली, फिर वो आपको कहेंगे ठीक है भाई हम आपको ये पैकेज भेज देंगे, और आपके पास करीब 5-6 या 7 दिन में आपके पास वो पार्सल आ जाएगा। तो ये एक और प्रॉब्लम है थ्रिफ्ट स्टोर्स के साथ कि आपका आइटम आपको काफी लेट मिलता है। अगर आप अमेज़न वगैरह से शॉपिंग करते तो आपको बहुत जल्दी मिल जाता, 1 दिन में या मैक्स 2 दिन में। अब जब ड्रॉप हो रही है उन थ्रिफ्ट स्टोर्स की, मतलब कि कपड़े रिलीज करने वाले हो, तो आपको कुछ चीजों के साथ रेडी रहना है। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बोला, आपको पता होना चाहिए आप क्या खरीदना चाहते हो, जो कि आपको उनका टीजर देख के पता चल जाएगा कि क्या क्या ड्रॉप होने वाला है। फालतू में ज्यादा शॉपिंग मत करना सस्ता देख के। दूसरी चीज, आपको अपनी खुद की मेजरमेंट्स पहले से पता होनी चाहिए, कहीं पे लिख के रख लेना अपने नोट्स वाले ऐप वगैरह में। आपको पता होना चाहिए अपना चेस्ट का साइज, मतलब कि अपने चेस्ट के अराउंड अगर आप 1 इंची टेप लगाओगे तो वो कितना आता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी शोल्डर के बीच की लेंथ कितनी है। आपको पता होना चाहिए अपनी आर्म्स का साइज, मतलब कि रिस्ट से लेके आपके अंडर आर्म्स तक कितना है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके टॉर्सो की लेंथ क्या है। टॉर्सो की लेंथ मतलब आपके नेक और शोल्डर के बीच वाले पॉइंट से लेके नीचे आपके वेस्ट तक की लाइन। साथ में अगर आपको पैंट्स के हिसाब का साइज देना है तो मैं बेस्ट तरीका बताता हूं। आपके पास जो भी पैंट पड़ी है जो आपको बेस्ट फिट होती है, जिसकी फिटिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसका वेस्ट साइज मेजर करो, उसकी इन सीम लेंथ मेजर करो, मतलब कि जहां से आपका वो छोटू वाला पार्ट होता है वहां से लेके नीचे तक। एंड एक और चीज जो आपको रेडी रखनी है ड्रॉप से पहले, वो है आपका पेमेंट मेथड। मतलब ये नहीं कि अब आपने बोल दिया कि मुझे खरीदना है, उसके बाद आपका पेटीएम नहीं चल रहा, आपका गूगल पे नहीं चल रहा। बाय द वे, अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है कि भाई आपको कुछ चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आप ऐसा सोचो कि वो चीज पहली बात तो आपको पसंद है या नहीं है, दूसरी चीज क्या आप उसको 3 अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो उन कपड़ों के साथ जो आपके पास ऑलरेडी पड़े। एंड यही है मेरा 3 ways to style rule जो मैं आपको हर बार बताता हूँ पैसे बचाने के लिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो ना उसके कैप्शन में लिखा हुआ देख के कि चेस्ट साइज कितना है, शोल्डर साइज कितना है वगैरह, तो आप ये कर सकते हो कि आप उस पेज को मैसेज कर दो कि कैन आई प्लीज सी अ पिक्चर ऑफ अ मॉडल वेयरिंग द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आप ये तब मैसेज करोगे जब उसने ऑलरेडी ऐसी फोटो नहीं डाली हुई जिसमें किसी ने पहन के दिखाया हो। एंड एक बार आप वो पिक्चर देख लेते हो जिसके अंदर मॉडल ने वो प्रोडक्ट पहना हुआ है, तो बहुत पोलाइटली प्यार से उनसे पूछ लो कि कैन आई प्लीज गेट द डिमेंशंस ऑफ द मॉडल वेयरिंग द प्रोडक्ट सो दैट आई कैन जज फॉर माय सेल्फ। तो ये मैसेज करके आपको ये पता चल जाएगा कि वो मॉडल की एक्चुअल साइज क्या है, मतलब उसकी चेस्ट कितनी है, उसकी शोल्डर कितनी है वगैरह वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस बंदे पे ऐसी फिट होती है तो मेरे पे कैसी फिट होगी। अब आते हैं कि कौन से थ्रिफ्ट स्टोर्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट ये है कि जो थ्रिफ्ट स्टोर्स आपको पसंद है उनकी पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना जैसे ही उनका टीजर ड्रॉप होता है। यार एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरली थ्रिफ्ट स्टोर्स पे ना रिटर्न्स पॉसिबल नहीं होते, उनके बायो में लिखा होता है क्लियरली कि नो रिटर्न्स। अब इस केस में आप चाहो तो उनको डीएम कर सकते हो कि आई एम अनेबल टू जज इफ दिस विल फिट मी राइट और नॉट, सो कैन आई प्लीज रिटर्न दिस If it doesn't fit me, तो most probably वो हाँ बोल देंगे, बस आपको return करने का पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो post में जितना लगेगा, जो कि 100-150 रुपए होगा। और अगर return नहीं allow कर रहे हैं, तो उनसे ये तो पूछ ही लो कि अगर मैंने खरीद लिया और मुझे fit नहीं आया, तो आप please क्या एक story डाल दोगे कि ये चीज available है और आपको DM कर दें ताकि आप उसको next इंसान को बेच पाओ। अब आ जाते हैं कुछ specific tips पे जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ हर अलग type की चीज खरीदने के लिए। Start करूंगा T-shirt से। आपको नॉर्मल फिटिंग वाली टी शर्ट्स वैसे तो ज्यादा मिलेंगी भी नहीं थ्रिफ्ट स्टोर्स पे, सारी ओवरसाइज ही मिलेंगी, लेकिन नॉर्मल फिटिंग स्लिम फिट टाइप की टी शर्ट्स मत लेना थ्रिफ्ट स्टोर्स से। अगर आप ओवरसाइज वाली या रिलैक्स वाली टी शर्ट्स ले रहे हो, जैसे मैंने ये टाइटैनिक वाली ली थी, तो ये जानो कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी वाली चाहिए ना, तो उसका ना एक्चुअल में ब्रांड देख लेना। यूएस के कुछ ब्रांड्स हैं गिल्डन और फ्रूट ऑफ द लूम करके, ये दोनों ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 100% अच्छी क्वालिटी टी शर्ट्स ही बनाते थे, ये शायद होगी 10 साल पुरानी और ये अभी तक अच्छी क्वालिटी की है। प्लस ये दोनों ब्रांड्स की टी शर्ट्स एज अच्छा करती है, मतलब कि इतने साल इनको लोगों ने यूज किया होगा तो अभी ये काफी विंटेज वाइब देती है। इसमें साइजिंग की ये चीज ध्यान रखना कि जैसे मेरा टी शर्ट का फिटिंग साइज, मतलब स्लिम फिट वाला साइज 40 है, तो मैंने ये टी शर्ट मंगवाई, इसका चेस्ट साइज है 46, तो मैंने 6 इंच ऊपर मंगवाई एंड आप देख सकते हो कि मेरे को कैसी फिट आ रही है। अगर आप पैंट्स वगैरह ले रहे हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी वहां पे वेस्ट कितनी लिखी हुई है, और जनरली जितनी भी पैंट्स मिलती है ना थ्रिफ्ट स्टोर्स पे वो सारी ओवरसाइज टाइप की मिलती है, तो आपको वेस्ट के अलावा बाकी किसी चीज से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप जैकेट ले रहे हो तो वार्सिटी जैकेट वाला वीडियो देखो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जैकेट का कैसे करना है। बाकी वैसे जूते जो कि मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से आज तक नहीं लिए, लेकिन जूतों की तो काफी यूनिवर्सल साइजिंग होती है तो वो आसान है। वैसे आपको पता है जो थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं वो
₹200 की चीज को ₹1500 का बेचते हैं तो आप मार्जिन समझ रहे हो। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स थ्रिफ्ट स्टोर चलाना कोई आसान बात नहीं है, वो इसलिए हाई मार्जिन होती है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है थ्रिफ्ट स्टोर चलाने में, बहुत हासिल है। अगर आप चाहते हो कि मैं थ्रिफ्ट स्टोर कैसे चलाते हैं, उससे पैसे कैसे कमाते हैं, उस पर एक वीडियो बनाऊ तो मेरे को बता दो, मैं एक हाउ टू अर्न वाली एक और वीडियो बना दूंगा, एक तो ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पे, एक और बना दूंगा जिसके अंदर थ्रिफ्ट स्टोर वाला भी पार्ट होगा। तो हैप्पी थ्रिफ्ट शॉपिंग एंड सेविंग मनी। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिवअवे पे, एंड इस वीडियो पे भी 7000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिवअवे करूंगा ₹2000 का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। तो गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइबर तो होना ही पड़ेगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप थ्रिफ्ट स्टोर से अगर लोगे तो क्या लोगे। तो गिवअवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।